अमेरिका टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, उसी तरीके से अंटार्कटिका टोटली साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है, और ये बहुत पास है आपके साउथ पोल के। ये कॉन्टिनेंट जो है हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि ये साउथ पोल के पास है। आपने कहा था पोल का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत फ्रिजिड होता है, तो जैसे कि कहा कि ये साउथ पोल के बहुत क्लोज है, इसलिए यहाँ का हमेशा टेम्परेचर जो है ठंडा ही रहता है, फ्रिज रहता है, इसलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ये सबसे ठंडा और एक सबसे अलग लैंडमास है जहां पर ह्यूमन के रहना जो है पॉसिबल नहीं है। दिस कॉन्टिनेंट इज रफली अ सर्कुलर इन शेप, और इसकी शेप जो है अगर हम आइडिया लें तो गोल है, गोलाई में सर्कुलर। द मेन लैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1828। तो सबसे पहले कि अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंट है, ये डिस्कवर हुआ था 1828 में। द रियल वर्क ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड ओनली इन 20th सेंचुरी। तो ज्यादा टाइम में हुआ है, जब वो 20वीं सदी में हम आए थे तब हमने उसको और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इन द लास्ट 50 ईयर 100 एक्सप्लोरर एंड साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैव गॉन टू अंटार्कटिका। पिछले 50 सालों में देखा जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पर वहां की जानकारी लेने के लिए गए। इंडिया ने वहां पर 2 रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं, पहला दक्षिण गंगोत्री जो कि 1982 में किया था, और दूसरा मैत्री जो कि 1988 और 89 में किया था। 99% जो टोटल एरिया है वो परमानेंटली पूरा बर्फ से घिरा रहता है पूरे साल। जो अंटार्कटिका का लार्ज पार्ट है वो बहुत ही रफ है और माउंटेन यानी कि बर्फ वाला एरिया है। यहाँ पर जो है देखा जाए तो